एग्जाम जंक्शन तक की स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की जो बड़ी खबर में चर्चा होगी उसमें जो टीचर्स से दिख रही इन समान तरह की खबरों पे जो अपडेट है उससे आपको रूबरू करा जाएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी लेटेस्ट अपडेट की वीडियो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अपलोड हो चैनल पर तो नोटिफिकेशन देखने को आपको सबसे पहले मिले। बात कर लेते हैं कुछ स्वच्छता के बारे में। सरकार जो है 1 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा के तौर पर मना रही, तो मेरा मानना है कि तन की सुंदरता से जरूरी है मन की सुंदरता। उसी के संदर्भ में स्वच्छता पखवाड़े के संदर्भ में सरकारों को थोड़ा सा प्रतियोगी छात्रों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। रोजगार को लेकर के आए दिन जो है एक एक साल से जो फार्म पढ़ने के बाद परीक्षाओं का कोई नामो निशान नहीं है। तो कुल मिला के चुनावी लालीपाप के दौर में मीडिया की खबरें आपको रोज देखने को मिलेंगी कि ये भर्ती आएगी वो भर्ती आएगी, बट वो सब ढाक के तीन पात आती है क्योंकि जब भी चुनाव के दौर होते हैं तभी भर्तियों का जो है सरकार संज्ञान लेती है। जहाँ तक स्वच्छता है तो स्वच्छता में सभी को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। कोई वो हिस्टोरिकल प्लेस हो, स्कूल हो, विद्यालय हो, कॉलेज हो, घर हो, हर ऑफिस हो, हर जगह स्वच्छता का विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि देश सुंदर होगा तो कहीं ना कहीं मन भी सुंदर होगा, मन सुंदर होगा तो विचार अच्छे होंगे और विचार अच्छे होंगे तो कुछ अच्छा कर गुजरने की क्षमता भी डेवलप होगी। बात कर लेते हैं आज के कुल मोटिवेशनल कोट में कि जब भी पढ़ाई करने बैठे प्रतियोगी छात्र अपने जहन में एक चीज़ रख के बैठे कि आज मैं आखिरी बार पढ़ रहा हूँ और कल मेरा एग्जाम है। यकीनन इस सोच के साथ जिस दिन आप तैयारी करना शुरू कर देंगे ना उस दिन एक अलग लेवल की स्टेमिना आपके अंदर डेवलप कर जाएगी और अपने आप से कुछ नहीं तो बहुत कुछ चीज़ें होंगी जिसे आप आसानी से जो है टैकल कर सकते हैं और उसे पास कर लेंगे उस परीक्षा को। तो चलिए आज की चर्चा कर लेते हैं इन बड़ी खबरों को। आज के प्रमुख समाचार पत्रों में बात की जा रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले रिक्त पद भरने की तैयारी और 15 दिन में विभागों से रिक्तियों का प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया चीफ मिनिस्टर। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कई बार ये चीज़ें देखने को मिली है लेकिन ऐसा कोई अमल जो है आयोगों के द्वारा नहीं लिया गया। कैसे कहते हैं सरकार जो प्रशासनिक व्यवस्था अमला चलाता है, तो कुल मिला के यहाँ पर जो है सरकार के द्वारा जो बार बार ये चीज़ें कही जाती हैं लेकिन अब की बार देखिए फिर क्या वही चीज़ें होती या कुछ बदलाव देखने को मिलता है, यानी कि विभाग जो है आयोग जो है भर्तियों का दौर जो है शुरू करते हैं, अदरवाइज फिर वही जो है सिर्फ मीडिया की खबरें बन के रह जाते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है जो है एसएससी की तरफ से कर्मचारी चयन आयोग से दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा जो होगी वो 3, 4 और 5 अक्टूबर को कराई जाएगी और एसआई 2023 परीक्षा के लिए देश भर में 8,70,838 मध्य क्षेत्र के अधीन जो उत्तर प्रदेश और बिहार आते हैं इसमें 1,93,434 अभ्यर्थी जो है पंजीकृत है और इन अभ्यर्थियों के लिए दोनों राज्यों 15 शहरों में कुल 71 परीक्षा केंद्र बनाएंगे। तो ये एसएससी की जो है बड़ी भर्ती को लेकर की अपडेट है। अगली खबर जो है अगली खबर बिहार से। बिहार सरकार की द्वारा आए दिन रोजगार को लेकर इतनी तेजी के साथ जो कार्य अब तक शायद आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा किसी स्टेट में, जितनी तेजी के साथ बिहार जो है प्रतियोगी छात्रों के हित में लेकर के निर्णय बैक टू बैक लेकर रहे, चाहे वो शिक्षा जगत हो, चाहे वो सिपाही की भर्ती हो या दरोगा की भर्ती हो या एसएससी से जो बीएससी होता है 10+2 की भर्ती हो, सब में भर्तियां देखने को मिल रही है बिहार सरकार की तरफ से। उसी संदर्भ में जो है कुल यहाँ पे 19,469 सिपाही व 2,000 दरोगा भर्ती समेत 24,269 पदों पर भर्ती जल्द जो है ये प्रस्ताव दरोगा के 1,288 पदों पर बहाली के लिए अक्टूबर के पहले सप्ताह में विज्ञापन जारी होने जा रहा है बिहार सरकार की तरफ से। तो ऐसी अगर सरकारी सभी काम करने लगे तो प्रतियोगी छात्र के मनोबल को जो है और ऊंचाई मिलेगी। तो कुल मिला के जो बिहार से जो भी प्रतियोगी छात्र प्रिपरेशन करना चाहते हैं इन भर्ती परीक्षाओं के लिए उनके लिए गुड न्यूज़ है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो है ये विज्ञापन जारी होने जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर के अंतर्गत कुछ आपकी जो क्वेरी जिस पर बात होगी जिसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट से आरओ की विज्ञप्ति को लेकर के अपडेट यही है कि अभी फिलहाल विज्ञप्ति आने में समय लगेगा। हाँ ये है कि इस महीने के लास्ट में विज्ञप्ति जारी हो सकती है। सबसे अधिक जितनी डिलीट होगी भर्ती उतना ही पद देखने को मिलेंगे और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर्स के पदों की संख्या जो काफ़ी अच्छी आएगी, तो थोड़ा सा इंतजार करिए और इस माह यानी कि अक्टूबर इन द सेंस ये है कि अक्टूबर माह के लास्ट तक जो है विज्ञप्ति जो है जारी होने के पूरे आसार हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट से समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी इसमें ये अपडेट है। वहीं अल्टीग्रेट विज्ञप्ति बहुत जल्द देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से पूरा तैयारी है और विज्ञप्ति बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। अक्टूबर में ही इसके संदर्भ में जो है नोटिस जो है जारी हो सकती है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। तो जो आप लोगों की इसमें क्वेरीज थी ये विज्ञप्ति बहुत ही जल्द देखने को आएगी क्योंकि इसमें पहले देरी थी लेकिन अब ये जल्दी ही निपटा लिया जाएगा। जो समस्याएं थी सिर्फ एक थी उसका भी समाकलन जो है इसी माह में यानी कि अक्टूबर माह में होगा। अभी तो सितंबर की लास्ट है लेकिन अक्टूबर में जो है ये चीज़ें कंफर्म होने के बाद विज्ञप्ति जो है जारी हो जाएगी। तो एल्टीग्रेड का इंतजार जो है समाप्त होने को, अभी ये लेटेस्ट अपडेट यही है। अब जो उत्तर प्रदेश अंतर सेवा चयन आयोग की तरफ से एसओ रिजल्ट की तैयारी पूरी हो गई, ये रिजल्ट कभी भी 10 अक्टूबर के पहले देखने को मिल सकता है। इसलिए एसओ रिजल्ट की इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी कुछ कभी है, काफ़ी दिन से परिणाम का इंतजार करें। अब जो है यूपी टीपीएससी के द्वारा ये परिणाम जो 10 अक्टूबर के पहले किसी भी दिन जो है वो जारी किया जा सकता है। और एक जो है यूपी टीपीएससी सब्जेक्ट ये कि जेई की नई भर्ती निकालने की तैयारी में है। अंदर खानी चर्चा यही है कि जेई की नई भर्ती 1,300+ पदों का विज्ञापन जो है जारी कर दिया और ये विज्ञापन की चर्चा ये है कि मिड नवंबर के पहले जो है विज्ञप्ति जो है जारी कर दी जाए। तो पेटर 2022 के आधार पर यह भर्ती देखने को मिलेगी। अभी फिलहाल दो भर्तियों की चर्चा है, एक एसओ की नई भर्ती और एक जेई की। तो एसओ का परिणाम आने के बाद उस पर एग्जैक्ट कब तक भर्ती आएगी उसकी चर्चा हो जाएगी। अभी फिलहाल जेई की भर्ती की चर्चा यही है कि नवंबर के मिड तक जो है जेई भर्ती का विज्ञापन निकाल सकता है यूपी टीपीएससी। वहीं टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराने जा रही है सरकार जो इस तरफ ध्यान दे रही है और इस परीक्षा का आयोजन जो है सेप्टेम्बर
नवंबर के पहले यानी कि लास्ट नवंबर तक जो है परीक्षा की जो है आसार हैं कराने की। सरकार से जो जानकारी प्राप्त हो रही आयोग को लेकर के जो है सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी अक्टूबर की लास्ट तक। उसके बाद सबसे पहली परीक्षा जो होगी जो कि 4000 समथिंग पदों का, उसको सरकार जो है करा सकती है, जो अंदर खाने की चर्चा है। तो आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। कुछ बड़ी अपडेट थी जो प्रतियोगी छात्रों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। इस प्रकार की लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि वो भी अपडेट से मुखातिब हो सके, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो चैनल पे तो उसका नोटिफिकेशन देखने को आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। फिर मिलते हैं नई बिग अपडेट के साथ। खबरें छोटी हों या बड़ी हों, यदि प्रतियोगी छात्र के हित के होंगे तो ये चैनल आपके कदम के साथ सबसे आगे बढ़ के आपको जरूर अपडेट जो है देता रहेगा।